Hello children, welcome to Dutch online classes. I'm Shivam, your English teacher. Our today's topic is Chapter 4, An Indian American Woman and Space, Kalpana Chawla, from Honey Shakal Book, Class 6th, CBSC. So let's begin. Before you read, in 1997, an Indian American Kalpana Chawla was part of the international crew aboard the U.S. space shuttle Columbia, becoming the first woman born in India to go into space. Sadly, the second mission in Columbia ended in tragedy. कल्पना चावला के बारे में हम यहाँ आज जानेंगे. उसके पहले थोड़ा सा यहाँ हम उनको आपसे यहाँ इंट्रोड्यूस कराते हैं कि वो कौन थी और उनके साथ क्या हुआ था. यूएस स्पेस शटल कोलंबिया का जो क्रू था उसका कल्पना चावला एक हिस्सा थी. 1997 में ये एक इंडियन अमेरिकन वुमेन थी जो कि इस यूएस स्पेस शटल कोलंबिया के इंटरनेशनल क्रू का एक हिस्सा थी. ये सबसे पहली इंडियन वुमेन थी जो स्पेस में गई थी. लेकिन जब इसका दूसरा मिशन हुआ तब उनके साथ एक दुखद हादसा हो गया. तो आइए आज हम इसके बारे में यहाँ जानते हैं. Kalpana Chawla said that she never dreamed as a child in Karnal that she would cross the frontiers of space. Kalpana Chawla kehti hain ki unhone kabhi ye dreamed nahi kiya, kabhi ye socha nahi tha, kabhi ye sapna nahi dekha tha ki ek chote se space jagah, matlab jo Karnal ki ek choti si bachchi ek aage chalkar ek space frontiers of space ka ek hissa hongi. It was enough that her parents allowed her to attend engineering college after she graduated from Tagore school. जब उन्होंने अपना टैगोर स्कूल से स्कूल अपना कंप्लीट की, अपनी जो स्टडी थी उसको कंप्लीट किया, तो यह उनके लिए, भाई कहती हैं यह उनके लिए बहुत था, पर्याप्त था कि उनके पेरेंट्स ने उन्हें इंजीनियरिंग कॉलेज से ग्रेजुएशन करने की अनुमति दे दी. After a Bachelor of Science in Aeronautical Engineering against great opposition from her father. इसके बाद उन्होंने जब अपना बैचलर ऑफ साइंस डिग्री से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग अपनी कंप्लीट की तो उनके फादर एक इसके बहुत ही ज़्यादा खिलाफ थे, अपोजिट थे. किस चीज़ के कि वो सी वेंट फॉर अ मास्टर्स डिग्री टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कि वो अपनी अब जो तीन बैचलर ऑफ साइंस डिग्री के बाद जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन किया था उसके बाद मास्टर्स डिग्री के लिए वो यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि यूएसए जाना चाहती थी. इसके लिए उनके फादर बिल्कुल भी तैयार नहीं थे. शी लेटर अर्न्ड हर पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग. इसके बाद उन्होंने जब वो यूएसए चली गई और उन्होंने अपनी मास्टर्स डिग्री की तो उन्होंने वहाँ पर पीएचडी की. किस पर? एरोस्पेस इंजीनियरिंग में. कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द लॉन्च पैड एट कैपे कैनेवरल फ्लोरिडा एंड पार्टिसिपेट इन अ सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस. कल्पना चावला वह पहली इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट थी जो कि कैप कैनेवरल के लॉन्च पैड से जिन्होंने उड़ान भरी, जो कहाँ है? फ्लोरिडा में है. हर फैमिली फ्रॉम इंडिया चीयर्ड अलॉन्ग विद स्टॉप एट द कैनेडी स्पेस सेंटर एज दे वॉच्ड द कोलम्बिया लिफ्ट ऑफ. और जो उनकी फैमिली इंडिया में थी वह उनके स्टाफ के साथ और उनके रिलेटिव्स के साथ सारे के सारे उनको चीयर्ड कर रहे थे और जो प्रोग्राम हो रहा था कोलम्बिया में स्पेस सेंटर में उसको वॉच कर रहे थे. कल्पना वॉज बॉर्न इन करनाल हरियाणा बट वॉज अ नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पैरी हैरिसन. कल्पना चावला का जन करनाल में हुआ जो कि हरियाणा में है, बट उनकी जो सिटीजन है वो अमेरिकन है क्योंकि उनकी जो शादी है, उनकी जो मैरिज थी वो एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर से हुई थी जिनका नाम था जीन पेरे हरिशन. बिसाइड्स बीइंग एन एस्ट्रोनॉट सी वॉज लाइसेंस्ड टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एरोप्लेन्स, सिंगल इंजन सी प्लेन्स एंड ग्लाइडर्स. उनको इन सब के बावजूद भी उनके पास एस्ट्रोनॉट की जो डिग्री थी उसके बाद भी उनके पास एक लाइसेंस था किस किस चीज़ को उड़ाने का, सिंगल एंड मल्टी इंजन,
लैंड एरोप्लेन्स एंड सिंगल इंजन सी प्लेन्स एंड ग्लाइडर्स, यहाँ तक कि उन्हें ग्लाइडर्स उड़ाने तक का लाइसेंस था। सी वॉज ऑल्सो सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, और वो किस चीज़ से सर्टिफाइड थी, किस चीज़ से प्रमाणित थी, फ्लाइट इंस्ट्रक्टर से। आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ पायलट कल्पना बिगन टू कंसीडर अनदर चैलेंज। ये सब जब वो पायलट पायलट में अपना क्वालिफाइंग कर चुकी थी, जब उन्हें पूरा एक्सपीरियंस हो चुका था, इसके बाद उन्होंने एक अलग चैलेंज लेने के लिए सोचा। अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम, सी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा। इन 1994 सी वॉज सेलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट। और उन्होंने जब इस नासा में अपना अप्लाई किया स्पेस शटल प्रोग्राम में, तो उन्हें हायर कर लिया किस तौर पर, रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा इन 1994 में। और उन्हें एक ट्रेनर के रूप में रखा गया जिनको एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग दी जाती है। व्हेन आस्क्ड व्हाट इट वाज लाइक बीइंग अ वुमन इन हर फील्ड, सी रिप्लाइड। और जब उन्होंने उनसे ये क्वेश्चन किया गया कि एक साधारण सी वुमेन होने के नाते, एक औरत होने के नाते, आप में इतनी ज़्यादा ये इतने बड़े बड़े काम आपने कैसे कर लिए, तो वो रिप्लाई क्या देती हैं, आई रियली नेवर एवर थॉट वाइल परस्यूइंग माई स्टडीज और डूइंग एनीथिंग एल्स। वो कहती हैं कि मैंने ये कभी नहीं सोचा था जब मैं छोटी थी या मैं मेरी पढ़ाई के दौरान, मैंने ये सब कुछ इन सब के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। दैट आई वॉज अ वुमेन, जब मैं एक वुमेन थी, एक साधारण सी वुमेन थी, और अ पर्सन, या फिर मैं एक व्यक्ति थी एज अ पर्सन फ्रॉम अ स्मॉल सिटी जो कि एक छोटे से शहर से बिलोंग करती थी, और अ डिफरेंट कंट्री, और एक जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट कंट्री से यानी कि इंडिया से बिलोंग करती थी। आई प्रीटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनी वन एल्स एंड आई फॉलोड देम। मैंने भी वैसे ही सपने देखे जो हर कोई देखता है अपनी ज़िंदगी में, एंड आई फॉलोड देम, मैंने भी उसको ही फॉलो किया है। एंड पीपल हु वर अराउंड मी फॉर्चुनेटली ऑलवेज इनकरेज मी एंड सेड इफ दैट्स वॉट यू वॉन्ट टू डू कैरी ऑन। और मेरे चारों तरफ जो लोग थे या मेरे जितने भी साथ में लोग थे इस समय में, तो उन्होंने भी मेरे लिए, बहुत अच्छी बात ये है कि उन्होंने मुझे प्रोत्साहन किया, प्रोत्साहन दिया कि तुम आगे बढ़ो, तुम जो भी करना चाहती हो वह तुम करो, तुम वह कर सकती हो।